क्योंकि है यहाँ से वो 40 डिग्री से आ रहा है और यहाँ हवा एक दो दिन से इतनी तेज चल रही है कि नितेश का सब हिल गया है। इसके मैचिंग तूने बोला रेड कलर का पहन के आ रहा है, मैं सुबह से फुग्गे बुला रहा हूँ। कैसा लग रहा है भाई ऑस्ट्रेलिया? अच्छा लग रहा है, पर व्हाट्सअप फागुन भाई कैसे चल रहा है? ठंड चल रही है यहाँ, ठंड। ये क्या कितनी आवाज कर रहा है भाई, पैर पे मत चढ़ा दियो नितेश कुमार। नितेश भैया कहाँ है ये देखो, ये देखो नितेश भाई ने कीचड़ कर दिया यहाँ पे। और सब नितेश देख रहे हो? बढ़िया ब्रो, तू बता ध्यान है कि नहीं आप? हाँ भाई मेरा ही है भाई। कब आएगा वगेला भाई साहब हमारे? भाई वगेला भाई साहब को आज आना था। कौन है वगेला भाई साहब? अरे वो गार्डनर हमारे। तो भाई ये पूरा ना सारा साफ करके रखना पड़ता है, काउंसिल से कंप्लेंट हो जाती है और ये जो कीचड़ विचड़ हो गया इसका बहुत ज्यादा खर्चा आ सकता है हम लोग। बट कोई बात नहीं नितेश, पे ज्यादा पैसा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कर देंगे भाई, अब तुमने खराब कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग हल्का चैनल, आज की सीट में आने वाला है हमारा एक दोस्त जिसको आपने वीडियोस में देखा था, ठीक है, क्योंकि टाइटल थंबनेल में देख लोगे तो देख। उठ जा पहले, उठ जा। इंडिया वाला दोस्त बचपन का आने वाला है, तो हमने कहा घर की थोड़ी साफ सफाई कर दे, ठीक है। और बस ठंड हो रही है सुबह सुबह, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और बारिश हो रही है ठंड में। ऊपर से देख लो, नहीं दिख रही है, देखो सनरूफ वाला फीचर भी देखो। मेरे में नहीं है ना इसलिए दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अंदर गिरेगी। हमेशा से मेरे को अपनी गाड़ी में सनरूफ चाहिए थी, तो हमेशा जब भी मन करता है नितेश की गाड़ी में घूम लेता है सनरूफ। बहुत अच्छा लग रहा है, बट मेरी में है नहीं। अगर मैं अपनी गाड़ी सनरूफ वाली लेता तो आई हैड टू पे एक्स्ट्रा $5,000, तो छोड़ो। और मैंने उनको ऑफर दिया कि $1,000 में मैं काट के अच्छे से। नहीं नहीं, ये भाई हमारा ट्रेड ही है ना, तो इसके कोर्स जिसने इसके बारे में हम लोग बताएंगे, तो ये भाई काट के कर सकता था, बट मैंने कहा नहीं, छत नहीं काटनी भाई, टेढ़ी काट ली। टेढ़ी काट ली तो क्या दोस्ती यार। तो भाई अभी हम लोग आए लॉन्ड्री करने के लिए, बेडशीट बहुत ज्यादा गंदी है और सब साफ हो जाएगी और थोड़े से कपड़े धुल जाएंगे और भूख भी लग रही है, हमने खा भी लेंगे, खाना भी साइड में, डोसा खाएंगे। अच्छा ना, मैं नहीं खाऊंगा, फागुन कह रहा है ऐसा, मैं कुछ और खाऊंगा, इडली। इडली सांभरा, सॉरी नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, भाई मेरा फेवरेट है इडली सांभरा। ये होता है नॉर्थ इंडियन से ना, कर देते हैं कभी कभी। सारे इंडियन, सारे इंडियन, कोई साउथ इंडियन नहीं, कोई नॉर्थ इंडियन नहीं, सारे इंडियन भाई। ये खाना ही नहीं, मालाबारी पराठा खा लेंगे, मालाबारी पराठा खाएंगे। और भाई का काम था, काम से छुट्टी करी, क्या बोला काम पे? कोविड हो रहा है। वो सेकेंडरी काम है मेरा। भाई दो जॉब कर रहा है, अभी सब बताएंगे भाई के बारे में, पर वो उसने सेकंड बोल दिया मेरी, मेरे को छुट्टियां चाहिए, तो उसने बोल दिया मेरे को गलत बात। लॉन्ड्री किससे हुआ? किससे पता नहीं, क्या आत्मा क्या मेरा। मीडियम यार, मम्मी तो हॉट पे धोती थी क्योंकि मैं हॉट हूँ, इसलिए मेरे कपड़े अलग धुलते हैं। मसाला डोसा, इडली और वड़ा। तो भैया अभी हम लोग आ गए हैं, हमने कहा डागर के लिए हम कुछ खरीद लेते हैं, तो हमने मतलब डागर आ रहा है, ठीक है, उसके लिए हम लोग कुछ खरीद लेते हैं। तो हमको मेन चाहिए टॉयलेट रोल्स, मतलब उसके लिए भी, हमारे लिए भी, और हमको लेना है हैंड वॉश। इधर हैंड वॉश मिलते हैं जा रहा है, हाँ हाथ धोने के लिए। इसके बाद अरे वैसे नॉर्मली खाना वाना करना, यहाँ से उठा ले कोई भी अच्छा वाला, उठा फ्लेवर चाटना ना। तो है चाटना ये अच्छा फ्लेवर है, और हमको लेना है टॉयलेट रोल्स। चलो डागर के लिए खरीदी हो रही, हाँ हम भी यूज़ कर लेंगे लगे हाथ। और फागुन हमारे घर पे वीकेंड पे रहता है, उसके लिए एक ब्रश ले लेते हैं, ले लूँ? चल डागर के लिए ब्रश भी ले लिया हमने, ये मुलायम होते हैं, ले ले ले, इससे अच्छा रहता है। बाकी सारे बहुत सारी वैरायटी है, पर हम लोग ये यूज करेंगे। 10 ले ले, इनफ है, कितनी धोएगा? इतने महंगे हैं, देख फागुन सस्ता करवा, इसलिए कह रहा हूँ दो दिन में एक ही बार कर। दो दिन में एक ही बार है। बहुत महंगा हो रहा है टॉयलेट रोल, से कम करनी पड़ेगी अब। $200 के जूते लिए उस भाई सामने, हाँ। कैसे पहन रहा देखा है ना, पीछे से लटका के। फिर भाई जूते नहीं है, बहुत महंगे जूते मिल गए मेरे को। जैसे ऐसे नहीं पहनते हंसी मजाक में, ऐसे आधे जूते पहन लिए ऐसे, कुछ हाँ। समझ आओ, अभी हम लोग जा रहे हैं डागर को लेने के लिए। यूमेट 5:20 5:12 हो गए, भाई की फ्लाइट लैंड हो चुकी है, तो जैसे फ्लाइट लैंड होती है हम लोग निकल जाते हैं। तो किसी को भी पिकअप एंड ड्रॉप करवाना हो तो बता दे, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। चलो जूते सही से पहन, ये देखो ये देखो, मतलब वो हो जाएगा, ये देखो ये सही से पहन, खराब करेगा जूते, तेरे को बैलेंस आएगा देंगे हम गिफ्ट पे, पर मैं पहनूंगा तो सही फिर नहीं देंगे।
तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट और भाई लैंड हो चुका है। सबसे पहले उसने ये बोला भाई बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि है यहाँ से वो 40 डिग्री से आ रहा है और यहाँ हवा एक दो दिन से इतनी तेज चल रही है कि नितेश का सब हिल गया है। तो कैसा लग रहा है बेटा? ऐसा लग रहा है घर जा रहा हूँ। बैग लेके आया? नहीं जा रहा हूँ। ऐसे ही वॉक अवे कर रहा है भाई। यहाँ पे मैं ऐसे मतलब नए नए आते ना, तो जैसे सीनियर लोग होते तुषार की तरह बोलते, यहाँ पे मस्ती नहीं करनी, सीधा घर पे बिठा देते हैं, पुलिस स्टेशन नहीं जाते। नितेश ने बोला था ऐसे। भाई बहुत खतरनाक ठंड है। अरे नितेश सीढ़ियों से चल ले यार, लिफ्ट से लेके जा रहा है नितेश, वेट लॉस हो रहा है। तो भाई जिस जिसको घर जाना हो यहाँ से भी जा सकते हैं, बस लेके $20 और आपको सिटी उतार देगी वहाँ से ट्रेन। और इनको पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तुषार भैया फ्री है तो लेने भी आते हैं। हाँ टाइम होएगा तो पक्का जरूर आऊँगा मैं, जो मेरे को बोल दे कि भाई पिकअप कर दो, हमारे घर से 20 मिनट दूर है एयरपोर्ट। हाँ कोई टेंशन नहीं। नहीं ठंड लग रही है भाई? अरे हमको भी लग रही है। तो भाई लड़की भाई इतनी ज़्यादा ठंडा, हमने कॉफ़ी ले लेता भाई, अभी आया नहीं बाहर, उसका इमिग्रेशन क्लियर हो रहा है अभी, अभी बैग उठा रहा नहीं। जट आ गया, जट आ गया। अरे बारा तो भाई हमारा भाई फाइनली लैंडेड। कैसी थी फ्लाइट? अच्छी थी, अच्छी थी, लंबी ज्यादा थी। ये बता रहा था ना मैं वहाँ जा, मेरा कुछ प्लान है, 15 घंटे का लेओवर इसने करवाया भाई। मैंने इसकी फ्लाइट बुक करी थी, बताऊंगा क्या क्या हुई थी, बट क्या कह रहा था मैं, चलना कुछ कह रहा था, छोड़ो बात। अरे मेरी मूवी के शूट का था ये। नहीं ऐसा मत बोल, झूठ मत बोल। इसके मैचिंग तूने बोला रेड कलर का पहन के आ रहा, मैं सुबह से फुग्गे बुला रहा हूँ। आजा आजा इधर आजा। तो भाई फाइनली वी हैव द डागर बॉय इन द हाउस। कैसा लग रहा है भाई ऑस्ट्रेलिया? ये नेक्स्ट डे है। अच्छा लग रहा है पर ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। और ना तेरा वीजा कब आया ये बता? 14th of July। और ये आज अभी संडे को, मतलब आज तो मंडे, उसे कल रात को आ गया था। 16th को ट्रैवल करना स्टार्ट करा था, संडे तक पहुंचा। ज्यादा नहीं 15 घंटे का लेओवर बस, उसको 15 घंटे की फ्लाइट में। भाई मैं इसकी टिकट बुक करने बैठा, कह रहा कोई बात नहीं मैं मंडे की कॉन्टेस करके आ जाऊंगा, कल कर लूंगा बुक, कॉन्टेस सोल्ड आउट। मैं सिंगापुर एयरलाइन कर लूंगा, 1 घंटे का लेओवर सोल्ड आउट। मैं मलेशिया एयरलाइंस कर लूंगा, इकोनॉमी 2 लाख की और बिजनेस क्लास 1,80,000 की, तो वो बुक कर रहे हैं, वो भी सोल्ड आउट। तो ऐसे करके बहुत कटा भाई का, बट फाइनली इन दी एंड टिकट हो गई थी, बुक हो गई थी। किसी ने शायद से छोड़ दी होगी या वैसे कर दी होगी, तो एक ही बच रही थी, वो हमने ऑन द स्पॉट इसने कर दी। और तू पहली बार बैठा ना इंटरनेशनल फ्लाइट, कैसा लगा तेरे को? एक्सपीरियंस अच्छा था यार, मजे आते, टाइम पास हो जाता है। बस लेओवर में ना पहली बार अगर जा रहे तो वो लगेगा, पर जैसे मैंने पूरा सिंगापुर एयरपोर्ट एक्सप्लोर करा, मजा आया। मतलब अगर मेरे को चांस होगा मैं लेओवर के साथ ही जाऊंगा दोबारा। 15 घंटे फिर से मजे आते हैं यार लेओवर में, फिर एयरपोर्ट घूमो आराम से, वो बातें कर लो ना घर पे। हाँ टाइम मिल जाता है काफी बहुत। उसके बाद भाई ने घूमा फिरा मस्ती से और फिर आया, तो भाई को ले आए 2 दिन के अंदर, आ गए within 2 days, क्योंकि यूनी पता नहीं डीकन ने ऐसे क्यों बोला 18th July डेडलाइन थी, 18 जुलाई से पहले आना यूनी में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने भाई ऐसे। मतलब फिर इसने ना फोन किया डीकन को कि मैं अगर 25 तक आ जाऊँ अगर हम बच्चे, हाँ उन्होंने बोला लेट हो जाएगा, ये सही नहीं होएगा, ऐसे सही नहीं लगेगा। मतलब वो बोलती है आई टेल यू, आई लेट यू नो कि इफ यू कैन कम आफ्टर 18। मतलब वो गलत है ना, मतलब उन्होंने ना मेरे को कंफर्म करा ना मेरे को बताया, तुम क्या करता क्या, मेरे को करनी पड़ी फ्लाइट। इसको जो टिकट मिली भाई लेके आ गया और भाई बहुत ज्यादा खुश है। बस ठंड है यहाँ पे क्योंकि 40 डिग्री से ये भी 4 में आ गया। वैसे अच्छा है, मतलब लोग यहाँ पे थोड़े से वो हैं, क्या कहते हैं, क्या है, क्या कहते हैं, पोलाइट। हाँ पोलाइट, नाइस नाइस, गुड इंग्लिश, गुड वोकैबुलरी। तो आज की वीडियो का हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, को जा सके सब्सक्राइब कर देना हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भाई का फर्स्ट डे, भाई को फोन भी लेना है, बहुत सारी चीजें करनी है यहाँ पे, आगे हरकतें तो सारी हम लोग नोट करेंगे। तो लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉयज फ्रॉम इंडिया, बॉयज फ्रॉम इंडिया, पीस। डिस्कशन भी हुआ, अगर किसी के पास घर नहीं है तो हफ्ता हफ्ता तेरे घर पे भी रुक सकते हैं, ये लोग रहेंगे तेरे घर। अब भर चुके हैं सारे रूम में, से रख ले तो किसी को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम। हफ्ते का खाना, राशन सब।